हेलो दोस्तों, जय हिंद जय संविधान। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि कुछ हमारे देश में और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तब शायद लोगों को उतनी जलन नहीं थी बाबा साहब से और हमारे समाज से। और जब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके जो बच्चे हैं और उनका जो रंग है और उनका जो नाम है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अपशब्द का प्रयोग करते हैं और कोई चीज़ करते हैं तो उनको अपना दामाद और अपना जीजा अपना फूफा समझते थे, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में एक किसी भी समाज का आता हो, वो किसी भी कास्ट से हो और किसी भी धर्म से हो, उससे मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब है उससे क्योंकि उसने हमें बोला है, हमारे लोगों को बोला है, आप शब्द का प्रयोग किया है, मुझे उससे लेना देना है। तो बस भाई, मैं इतना कहूंगा कि वो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने भी नीला रंग का झंडा अगर लहराया तो उसकी ऐसी की तैसी हम लोग कर देंगे। सबसे पहली बात है बेटा, देखो नीला जो है ना, नीला रंग जो है ना, आसमान भी नीला है। तो आसमान क्या है अपने, अब कहां मैं बताऊं, वहां पे ले जाके रखोगे क्या? और दूसरी बात है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, हर किसी के दिलों में चुभता है अगर कोई तो सिर्फ दलित समाज। अगर इतना ही लोगों को चुभन है और कोई चीज है ना, तो इस देश से चले जाएं। मेरे ख्याल से मैं गालियां वगैरह तो नहीं देना चाहता, मैं बड़े प्यार से आया हूं, तो ये उसके लिए एक सुधारक के लिए होगा। लेकिन दूसरी बात है, हिमाचल प्रदेश के काफी सारे जो भाई हैं भीम आर्मी से और काफी अब मेरे अपने समाज के लोग वहां पर जाकर नीले रंग का झंडा फहराए भी हैं और धमकी के साथ उसको दिखाए भी हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं प्लीज इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।